हम आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस ये है मेरा ब्रेकफास्ट और हुडैन खा रहा है वाटरमेलन। पूरी कम चटोरी है हुरैन, अगर चटका लग गया ना फिर मानती हूँ, क्योंकि वो दुबई के जा रही थी नई नई न्यू न्यू वाली, इसलिए उसको ज्यादा अच्छी लगी। ये देखो क्या, लो लो ब्लॉग करो ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वल्ला हबीबी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया जी, गुड गुड। नदीम भाई गुड, पाकिस्तान से है। टुडे गोइंग टू अबू धाबी, फ्राइडे वर्ल्ड एंड शेख जायद ग्रैंड मॉस, एमिरेट्स पैलेस, अल्टिल विलेज एंड अबू धाबी म्यूजियम, आई शो यू ऑल लोकेशंस। थैंक यू इंशाल्लाह। ये आमची बायको, आमची साला, सालीसी वाइफ, सालीसे बच्चे और आमचा पोरगा। और कैसे हो आप लोग? और मैं कैसे लग रहा हूँ? माशाल्लाह अच्छा लग रहा होगा आपकी तारीफ पे। अच्छा ही लग रहा होगा, कैसा लग रहा हूँ जरूर बताना। एक्चुअल में दुबई का पानी को सूट हो गया, सब कमेंट्स में ये कर रहे हैं मेरे कि लकी भाई बहुत अच्छे लग रहे हो, दुबई सूट हो गया तुमको। लकी भाई को सूट किया कल जो आपने लोकल अरबी ड्रेस पहना था, उसमें तो आप ऐसे लग रहे थे जैसे है ही आप लोकल ही आ गए, है ना? तो लग रहे थे आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे रहेगा। पिक्चर शेयर करो ना इनके साथ। हां वो देख ली होगी कल के, बहुत जबरदस्त लग रहा है। अपलोड किया तुमने? ये हमारे नदीम भाई है जो हमको पाकिस्तान भी घुमाने वाले हैं। हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान भी घूमने की, लेकिन कैसे वीजा का प्रॉब्लम आता है, ये आता है। जब भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होगी इंशाल्लाह जल्द से जल्द तो वहाँ जाएंगे। जो अबू धाबी रोड पे जा रहे हैं बॉर्डर है, यहाँ पे रोड का कलर चेंज होता है। जैसे हम अबू धाबी बॉर्डर में एंटर होते हैं ना अबू धाबी में, तो दुबई और अबू धाबी में रोड कलर डिफरेंट है। यस, ये रोड का कलर देखेंगे आप, ये कलर चेंज हो गया, एंटर हो गए, ये पिंकिश कलर है। अबू धाबी में एंटर हो गए गाइस, बच्चों क्वालिटी देखिए, यहाँ पे बहुत खूबसूरत
दुनिया कोई कलर नहीं किया हुआ, इसको स्टोन ही है डायरेक्ट। तो दुनिया में आने के बाद अगर कुछ चीज देखिए जो आंखों को ठंडक दे दे, आज गाइज हम PTCR जो रिपोर्ट होती है वो दिखा के अंदर आ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं चेंज करने, क्योंकि आज है फ्राइडे जुम्मा और यहाँ पे होती है नमाज। नमाज के बाद जो है मस्जिद में अंदर एंटर करने का एंटर होना मिलता है। एंड एक्चुअली क्या बोल रही थी ना, एक्चुअली नमाज के लिए ना लेट हो गए हैं। लकी चाहते थे फ्राइडे जो जुम्मा है वो यहीं पढ़े, तो अब लकी जमात के साथ तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो अब जो है पहले अपनी नमाज अदा करेंगे एंड देन फिर हम लोग जो है शॉपिंग वगैरह करेंगे। सो मैं पूरा यहाँ पे दिखाऊंगी लाइक कितना मज़ा आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अबू धाबी के लिए जब हम दुबई आए। सो आज का दिन बहुत मस्त होने वाला है, क्यों ना दा अल्टो। सो गाइज हमने चेंज कर लिया है और मेरे साथ साथ नैन्सी ने वेयर किया है दिस ब्यूटीफुल अबाया। एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट है जो कि आप अपने बाया के ऊपर वेयर करते हो, बट आज हमने ये अपने जो कपड़े हैं उनके ऊपर ही वेयर किया है। और हरप्रीत रह गई है, सो हरप्रीत जो है अभी सिर्फ हिजाब ऊपर से ले लेगी। चले गाइज आई एम रेडी एंड मैं आपको दिखाती हूँ लकी, नैन्सी और सारे। ये है शेख साहब, आओ लुकिंग प्रिटी, अच्छी लग रही है। सुल्ताना लग रही ना मैं गाइस? हाँ हलीमा सुल्तान, सुल्ताना लग रही ना गेंदी, सुल्ताना। आज मैं तुझे सुल्ताना ही बुलाऊंगी, ठीक है? हाय सुल्ताना। शेख साहब आती अपनी बेगम और बेटी के साथ। एंड हरप्रीत और हुरैन ये देख लो यहाँ मस्तियाँ चल रही, ये देख। ओहो यहो स्क्रीन स्क्रीन, हुरैन चलो मस्जिद में अंदर जाना है अभी। हुरैन कहाँ रखे मास्क? मास्क कहाँ? हम आ चुके हैं बाया एक शोरूम में जहाँ की डिजाइन हेरिटेज ऑसिस है, जिसकी डिजाइन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं ये रेड वाला बाया देख के अंदर आई हूँ, माइंड ब्लोइंग। आई मीन विद बेल एंड डिजाइन आर ऑसिस। कम गाइज ये देखो व्हाइट वाला, इसका स्टाइल टू ऑसम। ये ब्लू ग्रीन, इसमें सिक्स कलर्स हैं और मुझे ये वाला बहुत ज्यादा। कितने का बोले? 800। ना फुल सिवलेस चाहिए, नकाब चाहिए, फेस कवर चाहिए, हिजाब चाहिए, कोई भी कास्ट के अलाउड नहीं है। तो अभी इन्होंने हैंड कवर जो मास्क होता है वो ले लिए। हम सारी चेकिंग करवा के जो है अंदर आ चुके हैं और ये हमारा हुरैन, यूहू। अब हम जा रहे हैं अंदर, वेरी एक्साइटेड गोइंग टू इनसाइड। और मैंने आपको बोला था ना कि ये बहुत जल्दी है मुझ पर, मैंने जो पहना वो इसने पहनना होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहन लिया।
रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, सीरियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. हमारी स्लीव्स थोड़ी सी मतलब ट्रांसपेरेंट थी तो हमको जो है हैंड कवर्स वेयर करने पड़े. मतलब स्ट्रिक्ट मीन्स के मुस्लिम फैमिलीज तो जानती है ना, बस वैसे. आप जब भी यहाँ पर आए अबाया फुल कवर किया हुआ लेकर आए, मेल्स प्रिंट वाली टी शर्ट शर्ट ना पहने. बंटी को अंदर की टी शर्ट जो है उन्होंने चेंज करवा दी, उल्टी करके पहना दी है, टर्न करके, क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐसा अलाउ नहीं है. और इनको इशू नहीं था क्योंकि इन्होंने ये वेयर कर लिया तो चल गया. मास्क भी नहीं उतारना है थोड़ी देर के लिए, जब अकेले हो आप लोगों से दूर हो तब उतार सकते हो. गाइस फाइनली हम आ गए. माशाल्लाह माशाल्लाह. अजान हो रही है गाइस, अजान हो रही है. सुने कितनी ब्यूटीफुल आवाज है. गाइस अब हम अंदर तो एंटर हुए थे, अब एकदम अंदर जा रहे हैं. माशाल्लाह सिटिंग एरिया है बट बहुत ज़्यादा गर्म है. गाइस लकी गए हुए नमाज पढ़ने के लिए क्योंकि असर हो चुकी है, और लकी वहाँ पर जो है मेन प्रेयर रूम है वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं. लेडीज़ का वहाँ पर है प्रेयर रूम, लेडीज़ वहाँ नमाज पढ़ेगी. तो हम आ चुके हैं और अभी लकी का वेट कर रहे हैं. वो आएंगे तो इस तरीके से टैक्सीज अवेलेबल है, उसमें बैठ के फिर हम बाहर जाएंगे. माशाल्लाह मस्जिद अंदर से हमने यहाँ पर भी आ गए और सारा कुछ देख लिया है ना. हुरैन कैसा लग रहा है? हुरैन तो पूरा देख रही है, अच्छा लग रहा है. अब हम जाएंगे मस्जिद के ही टैक्सी स्टैंड पर जहाँ पे आपको फ्री सर्विस दी जाती है. तो अब वहाँ से फिर हम आउट होंगे, वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह. देखो लकी खड़े हैं यहाँ पे. और जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मिनी बस से, अंदर के अंदर चलती है ये हमारे नेपाल से दोस्त है. हम यहाँ से माशाल्लाह माशाल्लाह. अभी हम लोग जा रहे हैं टाउन, हमारे अब मार्केट जाएगी हम यहाँ से. देखो नैंसी मेरे साथ चल के ज़्यारत नहीं बोलेंगे ना, नहीं नमाज में, नमाज मस्जिद में. आप तो वो नमाज बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत
दुबई में पैसा बहुत है, इनको ऊपर वाला नमाज पढ़ने के मछली थे और इसको गरीबों को बहुत ऊपर थे, ये इसलिए ऊपर वाला इनको नमाज पढ़ते हैं। पैलेस में माशाल्लाह नजरें नहीं हट रही, लाइक हम लोग इतनी देर से है यहाँ पे पूरा घूम रहे हैं, ये पैलेस खत्म ही नहीं हो रहा है, लाइक इतना जबरदस्त बना हुआ है ना। हम लोग अभी अबू धाबी में एंड ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं थके हारे बेचारे, इनके मुंह तो देखो, इनके फेसेस देख लो बेचारों के। एंड ये यहाँ पे इनका फोटो सेशन चल रहा है एंड दिस इज अबू धाबी। या सीधी जो बात है पंजाब वाले जो है ना बहादुर लोग, बहादुर से उसके नाम से और ये कोक पी रहा है, मैं ऐड कर रही हूँ। कितनी अच्छी मॉडल नहीं मिलेंगी यार पेप्सी वालों, आपको बुलाऊं मुझे सीरियसली आप कुछ बोलना चाहेंगे पीके जी का? सही बोल रही है, मैं मेरे सब मॉडल कोई नहीं मिलेगा, मुझको बुलाइए आप, ये दोनों को बुला लो गाइस, इनसे अच्छे मॉडल नहीं है। ये देखा गाइस, हम आ चुके थे, आने के बाद हमने डिनर किया, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए हम सारी। एक्चुअली आज हम दुबई से गए थे अबू धाबी जिसका डिस्टेंस है 147 रात के